दोस्तों क्लास ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपके साथ में काम किया था, पहली क्लिप आपने देखी होगी, अप्रॉक्स आधे घंटे की एक क्लिप थी आपके साथ में। क्लास ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे स्टार्ट करते हैं, आप लोग को शायद वो क्लिप पसंद आई होगी, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये उसका आगे वाला पोर्शन है, नंबर टू आपके लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे, उसी तरह से आप देखते रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि चीज़ें आगे चलें। आप पहले दिन से ही IIT की 42 ईयर किताब आती है, जिसमें IIT के सारे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। 42 ईयर्स किताब IIT की, 32 ईयर्स किताब आती है नीट के लिए। इसमें अब तक जितने नीट एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और नो डाउट इन सब पे एक बहुत बढ़िया किताब होती है, आप जानते हैं NCERT, जो आपका मेन सिलेबस है। तो आप इन तीनों किताबों पे काम कर पाएँ, पहले दिन से, डे वन से आप काम कर पाएँ, आपको जब आप चलें तो आपको मालूम पड़ेगी, यस मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ क्या क्वेश्चन आ रहा है इसमें, यस कुछ ना कुछ हम एक कदम आगे बढ़ें, गाड़ी हमारी चले आगे। तो इस बेस पे वो है क्लास को, आगे ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आपके क्लास पे आते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली टर्म पे ही देख लिया था कि आइसोब्यूटाइल किसे कहते हैं, N-ब्यूटाइल किसे कहते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल किसे कहते हैं, N-प्रोपाइल, ये सब हमने पिछले टर्म पे देख लिया था। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पास में कि ये क्लास 11th बेस्ड है, आप जानते हैं इस बात को कि लेट मेरे पास में ये एक प्रोपीन है, ये प्रोपीन, और इस प्रोपीन पे आप जानते हैं ये डबल बॉन्ड मौजूद है, और आप जानते हैं डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन देता है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने 11th में पढ़ा होता है, एडिशन रिएक्शन देता है। तो इसमें प्रोपीन पर क्या करूँ मैं दोस्तों, अगर मैं इस पे ब्रोमीन की रिएक्शन करा दूँ, ब्रोमीन यूजुअली CCl4 या CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 के अंदर लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर, तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड पे दो Br ऐड हो जाएंगे। आगे जाके कभी आज से करीब करीब एक दो महीने बाद में आपको इनके एडिशन की एक मैकेनिज्म भी बताएंगे आपको, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, अभी तो कोई बड़ी बात नहीं। ये सब आपके पास में दो Br यहाँ पे लग गए, कितना आसान सी बात है, डबल बॉन्ड खुला, दोनों खुले, एक Br इधर, एक Br इधर, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही क्लोरीन में भी हो सकता है। दोस्तों अगर मैं इस पर क्या करूँ, ब्रोमीन लिखूँ, यहाँ तो ब्रोमीन CCl4 के अंदर था और कुछ नहीं दिया था साथ में, और साथ में इसमें सनलाइट लिख दो, तो याद रखिए अब एडिशन नहीं होगा, अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एलाइलिक पोजीशन आपको बताई थी, डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन को, डबल बॉन्ड उसके पड़ोसी कार्बन को, इसको हम एलाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो दिस इज द डबल बॉन्ड, और इसका पड़ोसी कार्बन ये वाला कार्बन, यहां पे ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। देखिए जरा सी चीज चेंज हुई, वहां ब्रोमीन CCl4 सॉल्वेंट में था, यहां ब्रोमीन के साथ में सनलाइट डाल दी उन्होंने, तो एलाइलिक पोजीशन पे H को हटा के Br लगा दें, और यही काम सेम यही काम हम कर सकते थे। अगर मैं क्या करूं, एक कंपाउंड होता है NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, इस कंपाउंड के नाम पे नहीं जाइए, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड ये कंपाउंड है हमारे पास में, अगर मैं ये डाल दूं तो भी यही रिएक्शन होगी। तो कितनी आसान सी बात है, हमने एक बात सीखी कि खाली ब्रोमीन डाल देते हैं तो दो Br जुड़ जाते हैं, और अगर ब्रोमीन को ही हम सनलाइट में डालें तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा दोस्तों। और जैसे हमने यहाँ प्रोपीन पे डाला तो यहाँ आ गया, NBS कर देते तो भी यही बात आती है, बहुत आसान सी बात है। मैकेनिज्म वगैरह की उसमें नहीं पड़ी अभी, धीरे धीरे सिखाएंगे आपको वहाँ पे भी किस तरह से क्वेश्चन आता है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास में मान लो ये प्रोपीन है हमारे पास, और इस प्रोपीन पे दोस्तों मैंने क्या करा, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करा दिया, HX, आप जानते हैं इसको हम जो ऐड होगा तो इसे मार्कोनिकॉफ एडिशन कहते हैं, आपने पढ़ा है अपने 11th में। हमेशा मन में ये सोच के करिए, यस
मुझे आता है। अपने दिमाग को ये मत बताइए कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं भूल गया हूँ, मैंने 11th में ठीक से नहीं पढ़ा। नो, बहुत आसान होता है मार्कोनी कॉम्पिटिशन। इसमें एच को जोड़ते हैं डबल, हमेशा जिस डबल बॉन्ड पे बात हो रही है उसकी बात करते हैं। एच वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं और एक्स वहाँ पे जहाँ पे कम होते हैं। तो नो डाउट पाई बॉन्ड पे खोल दिया, पाई बॉन्ड को खोल के एक्स। ये दिस इज द जस्ट सेकेंड क्लास। हम में से बहुत सारे लोग इस बात को कह सकते हैं नहीं साहब इसमें हमने ये नहीं किया वो नहीं किया। सॉरी, घड़ी चलनी चाहिए। तो ये यहाँ पे लग गया। हम इसे कह सकते हैं टू हेलो, मतलब हेलो जो भी क्लोरो ब्रोमो आइडो जो भी है, टू हेलो प्रोपेन। मतलब अगर कोई आपसे कहे कि HCl डाल दो इस पे, तो आपने कहा हो तो मजा आ गया, यहाँ HCl बन गया। क्या इंटरमीडिएट है क्या नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत रेयर, और खुद ही आप समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद समझ जाएंगे आज से 5-7 क्लास बाद में कि ये क्या हो रहा था, खुद आपके मुंह से ही खुद निकलेगा कि अच्छा ऐसे ही बनना था। ठीक है, HI डाल दीजिए तो आयोडीन लग जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गाड़ी चलनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए कितना आसान। और दोस्तों अगर मैं यही रीएक्शन HBr, आप जानते हैं 11th में पढ़ाया आपने, फिर लेकिन हम 11th को इस्तेमाल नहीं करें, मार्कोनी कॉम्पिटिशन देखिए हम फटाक से सीखे। ये अगर मैं परोक्साइड में डाल, हम जब 11th पढ़ा रहे होते कभी आपको बताएंगे इस बात को, तो हम यहां पे लिख देते हैं कि HBr और परोक्साइड जोड़ी में चलते हैं, जोड़ी। जैसे बहुत सारी चीजों की जोड़ी होती है कि ये उसके साथ ही आएगा हमेशा, ऐसे ही परोक्साइड और HBr दोनों जोड़ी में, अकेला HBr होता तो मार्कोनी कॉम्पिटिशन होता, HCl परोक्साइड होता तो भी मार्कोनी कॉम्प होता। परोक्साइड के साथ HBr पे ही फर्क पड़ता है, यहां पे उल्टा जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, यहां पे उल्टा, जैसा मार्कोनी कॉम्प में जुड़ा था उससे उल्टा। मार्कोनी कॉम्प में कहां जुड़ा था, एच गया था उस कार्बन पे जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन थे। मैकेनिज्म वगैरह से कोई मतलब नहीं है यहां पे, ये आपने 11th में पढ़ा है। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल एडिशन है, क्यों परोक्साइड कैसे काम करता है, ये सब बात की बातें हैं। अभी तो आप ये देखिए, मजा लीजिए इस बात का कि अब हमारे पास में पहले बना था टू हेलो प्रोपेन, टू ब्रोमो प्रोपेन, और अब बना है हमारे पास में वन ब्रोमो प्रोपेन। दोस्तों यहीं पे वो आपसे कन्वर्जन करा लेता है, आपका पहला कन्वर्जन, कन्वर्जन नंबर वन आ गया आपका। बिल्कुल आसान, आपके साथ ही कह सकते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई मेरे। स्टार्ट हमेशा आपसे किसी ने कहा प्रोपीन इनटू वन ब्रोमो प्रोपीन, इसी को वो ऐसे लिख सकता था प्रोपीन इनटू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर इसका दूसरा प्रोपीन इनटू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। कितनी आसान बात है, देखिए ये कन्वर्जन आपके तैयार हो गए, पहले दो कन्वर्जन। अच्छा, अब आपने, आपको याद हो कि आपने 11th क्लास में एक रिएक्शन पढ़ी थी बुर्ज रिएक्शन, नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ, बहुत आसान सी रिएक्शन होती है। कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं और उसको सोडियम से रिएक्ट करा देते हैं, तो जहाँ हैलोजन होता है वहाँ से दो एल्काइल हैलाइड आपस में जुड़ जाते हैं, ड्राई थर्मे रिएक्शन होती है। तो ये R और R आपस में जुड़ गए, ये बुर्ज रिएक्शन थी। अब आपका तीसरा कन्वर्जन आ गया, उसने कहा प्रोपीन इनटू, प्रोपीन में देखिए दोस्तों तीन कार्बन एटम, प्रोपीन इनटू एन हेक्जीन, और एक चौथा कन्वर्जन प्रोपीन इनटू 2.3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
कितने कार्बन हुए इसमें? चार, और डाईमिथाइल के दो, छः। प्रोप से छः, प्रोप से छः। तो कहीं ना कहीं हमें बुर्ज रिएक्शन लगानी पड़ेगी, और बुर्ज रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पे लगती है। देखिए आपके सामने ये सारे कन्वर्जन जो थे वो आपके सामने, हालांकि मुझे यहाँ बनाने नहीं चाहिए थे, आपने खुद बना लिए होंगे। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप ये क्लिप देखें तो पेपर पेन लेके बैठे, अपने लिए काम करिए। दोस्तों प्रोपीन पे अगर मैं HBr डाल दूँ, खाली HBr, तो आप जानते हैं मार्कोनिकोव के हिसाब से Br यहाँ जुड़ेगा। हमेशा अपने आप को कहिए यस मैं जानता हूँ। और जरा देखिए, अगर मैं अब इस पे सोडियम डाईथर डाल दूँ बुर्ज रिएक्शन, तो ये यहाँ से जुड़ेगा इस वाले कार्बन से, क्योंकि यहीं तो हेलोजन लगा हुआ है। तो यहाँ से दो जोड़ दीजिए आपस में, देखिए दोस्तों क्या बन गया, एक दो तीन चार, चार की मेन चेन टू पे थ्री पे मिथाइल, ये आपका 2.3 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन गया। अरे वाह, हम कन्वर्जन कर पा रहे हैं कुछ। और यही काम अगर मैंने किया यहां पे HBr के साथ में परोक्साइड डाल दिया, HBr के साथ परोक्साइड डाल दिया, तो आप जानते हैं परोक्साइड इफेक्ट कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव, तो उल्टा जुड़ता है इससे, तो Br यहां लग गया। और दोस्तों अब अगर सोडियम डाईथर मारूं मैं इस पे बुर्ज रिएक्शन, तो नो डाउट इस वाले कार्बन से दो जुड़ेंगे, क्योंकि यहीं पे तो हेलोजन लगा हुआ है, तो यहां से दो जोड़े। ये तो एक स्ट्रेट चेन बन गई, 1 2 3 4 5 6, दिस इज एन हेक्सेन। लीजिए साहब आपके 1 2 3 4 चार कन्वर्जन अच्छे लेवल के आपके तैयार हैं साहब। बातें हमेशा याद रखिए, एक एक स्टेप, सिंगल सिंगल स्टेप पे काम करते हैं हमेशा। सीढ़ी नंबर 1 2 3 4, धीरे 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 अपना कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमेशा जीवन में, याद रखिए दोस्तों जी, आगे बढ़ते हैं। अब साहब एक और रिएक्शन होती है हमारे पास में, यहाँ पे हमने पढ़ा था प्रोपीन से, आज अपनी बात को स्टार्ट किया था प्रोपीन से, हम कैसे चल रहे थे जी। एक रिएक्शन होती है जिसमें जो हेलोजन होता है उसे हम एक्सचेंज कर सकते, हैलाइड एक्सचेंज कहते थे। इसमें दो रिएक्शन है हैलाइड हैलोजन एक्सचेंज करने के लिए। एक होती है, आपके स्कूल में आ सकता है, राइट ए नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन, बहुत आसान रिएक्शन होती है, बहुत आसान। आपको क्या करना है, कोई हैलोजन है हमारे पास, एल्काइल हैलाइड लगा हुआ है, ये हैलोजन है, ये हैलोजन क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन इवन आयोडीन भी हो सकता है, पर आयोडीन को आयोडीन से एक्सचेंज करने से क्या फायदा, पर देखेंगे। NaI से रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे एक सॉल्वेंट लेते हैं, स्पेशल सॉल्वेंट्स एसीटोन, क्यों लेते हैं वो आपके स्कूल में क्वेश्चन आएगा, तो इस X की जगह I आ जाएगा और Na के साथ में ये एक्स निकल जाएगा, दिस इज फिंकलस्टीन। जैसे आपसे कोई कहे ये CH3CH2 Br है हमारे पास में, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी आपकी NaI और क्या लिया, एसीटोन। तो दोस्तों क्या हुआ, CH3CH2, ये जो Br था इसकी जगह क्या आ गया, I आ गया, और नो डाउट साथ में NaBr निकल गया। किसी हेलोजन को हम आयोडीन से एक्सचेंज कर सकते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन में। वाई एसीटोन, आपसे पूछ लेगा आपके स्कूल में एसीटोन क्यों, क्यों एसीटोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्चुअली NaI इज सोलेबल इन एसीटोन, NaI एसीटोन में सोलेबल है, बट NaCl एंड NaBr आर नॉट, ये जो बनेंगे यहां पे ये इनसोलेबल आर इनसोलेबल। अब क्योंकि ये इनसॉल्युबल हैं NaCl और NaBr, तो इसलिए रिएक्शन वापस नहीं लौट पाती, यही कारण है हमने एसीटोन लिया। इस रिएक्शन से हमें फायदा क्या हुआ, अभी एक और रिएक्शन पे आएंगे यहाँ पे,
दिस इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। अभी आएंगे यहाँ पर इस रिएक्शन से हमें क्या फायदा हुआ, क्यों पढ़ी हमने अभी आज ये रिएक्शन, इसलिए पढ़ी बताते हैं हम। वहाँ पे आपको याद हो चार कन्वर्जन कर चुके थे, पांचवा कन्वर्जन हमारे पास किसी ने हमसे कहा कि साहब आप क्या बनाइए प्रोपीन इनटू, आपके स्कूल में आएगा ये प्रोपीन इनटू एन प्रोपाइल आयोडाइड, ये बनाइए। आपने कहा बनाते हैं साहब, तो दिस इज द प्रोपीन। अब अगर इसमें मैं एच आई डाल दूं तो आप जानते हैं तो मार्कोनी कॉप से जुड़ेगा सर, एच यहां आएगा आई यहां आएगा, ये तो आ गया आपका आई और यहां आ गया आपका एच, ये तो टू आईडो प्रोपीन या हम इसे कह सकते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये तो आइसो बना साहब, हमें बनाना है एन, हम चाहते हैं ये कोने वाले पे जुड़े। तो आपने कहा मित्तल सर इसमें आप क्या कर दीजिए एच आई के परोक्साइड के साथ में डाल दीजिए। नहीं दोस्तों ये फिर यही बनेगा, क्योंकि परोक्साइड इफेक्ट आपको बताया था, परोक्साइड इफेक्ट केवल एच बी आर और साथ में परोक्साइड से ही लगता है। इसे ही क्यों लगता है, क्या मतलब है, ये सब बातें लगेंगे तो हम गोल 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 घूमते चले जाएंगे, कभी हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। हाँ जी सर, अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, आप किसी और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो साहब फिर यही बनेगा, तो अब हमें क्या करना चाहिए, पहले हम इस पर आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूँ। बच्चा टीचर से बहुत तेज होता है, उसका दिमाग टीचर के कंपैरिजन में कम से कम 10 गुना तेज होता है, दिस इज द पेडिग्री ऑफ मैन। मैं अपने फादर से 10 गुना तेज हूँ, मेरे बच्चे मुझसे 10 गुना तेज हैं, उनके बच्चे उनसे 10 गुना तेज होंगे, ये पेडिग्री ऑफ मैन है, दुनिया हमेशा आगे चलती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता दुनिया में। तो एच बी आर डाला हमने परोक्साइड के साथ, तो जब एच बी आर डाला हमने परोक्साइड के साथ में दोस्तों, तो अब हमारा परोक्साइड इफेक्ट लग गया, लेकिन हमें तो आयोडाइड बनाना था। यस, अब हमने फिंकलस्टीन का इस्तेमाल कर दिया, इसमें दो स्टेप में कन्वर्जन हो गया, एन ए आई एसीटोन लगा दिया दोस्तों, लो साहब ये आपका आयोडो बन गया। आपको आएगा ये क्वेश्चन, इसको एक मेथड और से भी कराएंगे ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अभी आपकी समझ में आ रहा होगा आखिर फिंकलस्टीन की क्या जरूरत पड़ी। एक यहाँ पे रिएक्शन छोड़ी आए थे छोटी सी स्वार्ट्स रिएक्शन, दोस्तों खेल खेल में हम कितनी नेम रिएक्शन सीख चुके हैं मालूम है, चार नेम रिएक्शन सीख चुके हैं, एक मार्कोनी कॉप एडिशन, दो परोक्साइड इफेक्ट, क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं इसको, तीसरा फिंकलस्टीन, और चौथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी स्वार्ट्स। अरे वाह, चार नेम रिएक्शन आ गई साहब हमारे पास में। नेगेटिव लोगों से दूर रहे, कुछ लोग आप कहेंगे नहीं नहीं यहाँ पे, अरे भाई मित्तल सर के साथ में टच हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करिए। स्वार्ट्स रिएक्शन, तो क्या किया हमने इसमें, एल्काइल हैलाइड इस पर हम कोई मेटेलिक फ्लोराइड डाल देते, AgF डाल सकते हो, Hg2F2 डाल सकते हो, SbF3 डाल सकते हो, तो ये क्लोराइड और ब्रोमाइड को F में चेंज कर देता है RF, दिस इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्लोराइड बनाना सबसे मुश्किल होता है, केवल इसी मेथड से बना सकते, वेरी यूजफुल रिएक्शन, बहुत यूजफुल है। एज फ्लोराइड्स RF कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली यूजिंग स्वार्ट्स। बहुत सारे कंपाउंड आपको याद हो फ्रीऑन बनाते हैं, CF2Cl2 फ्रीऑन, ये इसी मेथड से बनाते हैं। दोस्तों कन्वर्जन हमारे पास आपको याद हो सात में हैलाइड एक्सचेंज हम लगा पाए थे,
आगे बढ़ते। अब क्या हुआ, एक दूसरे को इंटरचेंज करने को आ गया। बहुत सारे मेथड होते हैं दोस्तों एल्कीन बनाने के, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन याद रखिए मुझ पे विश्वास कीजिए, दो मेथड मेन आपको काम आएंगे, दो, केवल दो मेथड सबसे ज्यादा आपको काम आने वाले हैं एल्कीन बनाने के। एक, अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड है तो इस पे एल्कोहलिक KOH मार दीजिए, एल्कीन बनाएंगे, अभी बताएंगे कैसे बनाते हैं। और अगर हमारे पास एल्कोहल है तो इसे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट कर दीजिए। दो ये मेथड हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे एल्कीन बनाने में, इस चैप्टर में नहीं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे मेरे पास में ब्रोमोइथेन, इस पे अगर मैं एल्कोहलिक KOH डाल दूँ तो ये Br और पड़ोसी का H निकल के भाग जाएगा, इथीन बन जाए। मेरे पास इथेनॉल है, इसमें मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट कर, ये OH पड़ोसी का H निकल के भाग जाएगा, इथीन बन जाएगा। अगर क्या हो, इसके पास दो चॉइस, कैसे, ये मेरे पास में 2-bromo-butane है और इसमें मैं एल्कोहलिक की OH डाल, तो मेरे पास इसके बाद दो चॉइस है, ये भी यार इस पड़ोसी का इसने के भाग गया, तो बन ब्यूटीन बन गया। और अगर ये भी यार इस पड़ोसी का इसने के भाग गया तो ये 2-butene बन गया। अब कौन बनेगा, 1-butene बनेगा या 2-butene बनेगा या दोनों बनेंगे, तो दोनों, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। हम हमेशा मेजर बनाते हैं जब तक वो हमसे ना पूछे, हमें कैसे मालूम कौन सा माइनर कौन सा मेजर, बहुत आसान, बहुत आसान। वैसे तो आपको बताएंगे जब सेटजेप रूल होता है, ये सेटजेप रूल, मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, ये मोर स्टेबल है। लेकिन आप ऐसे देखिए, यहां पे कितने एच है, 3, यहां कितने एच है, 2, जिस कार्बन से एच निकालने वाले, जिस पे कम एच है उससे निकालिए, वो मेजर बनेगा। इसे बहुत सारे लोग पुअर बिकम पुअरर कह देते, ये थोड़ी जुगाड़ है, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे हम ऑर्गेनिक में तब इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। तो मोर स्टेबल एल्कीन इधर से निकल, ऐसे भी देख सकते हैं, इस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने एच है, 2 और 1 3, इस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने एच है, 2, जिस एल्कीन में डबल बॉन्डेड कार्बन पर कम एच हो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। ये कम स्टेबल एल्कीन है, ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन है, सेटजेप इस रूल यही कहता है, मोर स्टेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, चाहे वो हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करके बना रहे हो, चाहे वो एल्कोहलिक KOH करके इस्तेमाल करके बना रहे हो। अब इससे क्या फायदा हुआ हमें, ये जो हम पढ़ रहे थे इससे क्या फायदा हुआ दोस्तों, दिस इज जस्ट द सेकेंड क्लास, इससे पहले आधे घंटे की क्लास पढ़ी थी और ऑलमोस्ट आधे घंटे की ये क्लास पढ़ रहे हैं, और देखिए हमारी गाड़ी कहाँ गई है, हमने कितनी नेम रिएक्शन पढ़ी है, मार्कोनी कॉप एडिशन, परोक्साइड इफेक्ट, बुड्स को भी एक बार ले आए थे, थोड़ा बहुत बुड्स पे भी पढ़ लिया था, यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, और अब सेटजेप रूल, सेटजेप एलिमिनेशन, धीरे धीरे इन्हें बड़ा कर लेंगे। 6 नेम रिएक्शन पढ़नी है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कन्वर्जन भी सीख रहे हैं साथ के साथ, बस चलना सीरियली है, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलिए, हवाबाजी नहीं करिए, अपने लिए पढ़िए, खुद के लिए। एक दिन ऐसा आएगा आप
क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही मारेंगे धूम। देखते हम क्या सीखना, क्यों पढ़ी थी हमने ये वाली रिएक्शन, दिखाते। आपसे किसी ने कहा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, एन टू आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड बना दीजिए। अब ये है हमारा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पहचाने एन प्रोपाइल कौन सा है, आइसो प्रोपाइल। इसलिए तो पहली क्लास नंबर वन में यही सिखाया था आपको कि यस एंड दिस इज योर आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये हमें कन्वर्ट करना है। तो इस ब्रोमीन से रिक्वेस्ट करें, प्लीज ब्रोमीन शिफ्ट टू सेकेंड पोजिशन, नो इस पे मारो फेंक के एल्कोहलिक QH, ये फौरन से एल्कीन बन गया। अब तो आप जानते हैं इस पे HBr ऐड कर दिया, दिस इज जस्ट द मार्कोनी कॉप एडिशन। ऐसे ही आपको किसी ने इससे उल्टा कह दिया आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड टू एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अच्छा, आपने कहा ये तो मैं बना दूंगा, यस यही तो कॉन्फिडेंस चाहिए आपसे। यही इस क्लास की मेन बात ये कि आपके मन से ये आना चाहिए कि ये तो मैं बना दूंगा। लीजिए सर ये प्रोपाइल, और अब हमें बी आर कोने पे, हाँ मित्तल सर परोक्साइड इफेक्ट मैं सीख गया। लीजिए सर इसी तरह की कुछ और चीजें, इंतजार कीजिए क्लिप नंबर 3 का। मैं समझता हूँ आपको दोस्तों ये पसंद आई होगी, इंतजार करते रहिए। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई भुवनेश मित्तल, थैंक यू वेरी मच।